हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपको अपडेट शेयर करनी है गेवरा फाटक के लिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं। लगभग एक हफ्ते से ये जो क्रॉसिंग है ये बंद है। इसमें कुछ काम हो रहा है क्योंकि काफ़ी हिस्सा इसमें टूट गया था, मिडल वाला जो पार्ट है, तो इसमें RCC का इसको बनाया जा रहा है और जो रेलवे लाइन वाला पार्ट है उसमें दबड़ के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। मतलब इसमें ये लगा लो यहाँ ड्राइव करना काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। काफ़ी इसकी हालत ख़राब थी तो वैसे तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग गलत हो गई है। ये देखिए सब लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं, आगे ई रिक्शा देखिए कितने खड़े हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोग पैदल चल के यहाँ तक आएंगे बस से या मेट्रो से, उसके बाद की उनको सवारी चाहिए, तो यहाँ पर इतनी ई रिक्शा यहाँ खड़ी हुई है। ये देखिए ये काम जो इसमें हो रहा है, और रेलवे लाइन जो मिडल में जो है जिसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेन्स चलती हैं, ये देखिए ये बीच में जो है ये रबड़ वाली इनकी नई टेक्निक है, इसमें टूट फूट होने के चांस नहीं होते। अदरवाइज क्या होता है, रेलवे लाइन के साथ वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी जल्दी डैमेज हो जाता है। ये है दिल्ली रोहतक वाली रेलवे लाइन, अभी हमारी डायरेक्शन है दिल्ली की साइड। यहाँ से UER2 का फ्लाईओवर भी दिखाई देगा शायद, देखते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके। हाँ वो सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ये स्टेशन है गेवरा का, वो सामने देखिए ये फ्लाईओवर, ये UER2 के लिए है। ये वाली जो क्रॉसिंग है गेवरा का फाटक जो है ये बहुत कंजेस्टेड होता है नॉर्मली, और फिलहाल के टाइम पे इसकी नीड ज़्यादा थी जबकि मुंडका में काफ़ी दिक्कत है, तो यहाँ से काफ़ी लोग बच सकते थे जाम से, लेकिन अब नहीं बच पा रहे। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि निजामपुर में रोड काफ़ी ख़राब है, अभी फ़िलहाल वही ऑप्शन बचा है जाने आने के लिए। उसके अलावा यहाँ एक छोटी फाटक भी है, मुझे एक्चुअली में बवाना की साइड ही जाना था तो मैंने कोशिश की कि छोटी फाटक से निकल जाऊँ। हम इस फाटक का इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे गैस वाली गाड़ी लग जाती है, इंडियन जो का जो प्लांट है उसके लिए गाड़ी आती है गैस वाली, वो लगभग पौना घंटा एक घंटा ले लेती है, तो बहुत टाइम लगता है उसमें, तो हम इस छोटी फाटक से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे यहाँ भी वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा मिली यहाँ आने के बाद, तो पहले मैंने चेक किया एक वर्ड जोन से कि भाई आगे की सिचुएशन देख ली जाए। ये सब कमर्शियल एरिया है, काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं इस एरिया में, और यहाँ देखिए सामने की साइड ये है छोटी फाटक गेवरा गांव की, जो काफ़ी मदद देती है कई बार इमरजेंसी में, लेकिन इसके बाद की हालत देख के तो हिम्मत ही ख़त्म होगी। यहाँ देखिए ये फाटक क्रॉस करने के बाद आगे पानी की हालत देखिए, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है पानी में से, ये देखिए ये गाड़ी पानी में से आई है यहाँ पर, और ऊंची गाड़ी है ये तो निकल गई। उसके बाद पानी की हालत आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं। इस फाटक से जब गेवरा गांव की साइड वापस जाते हैं तो देखिए सड़क ही गायब हो चुकी है। यहाँ देखिए सिर्फ ये खंभे लगे हुए से पता चलता है कि यहाँ पर है, लेकिन कहाँ बिल्कुल बिल्कुल गायब हो चुकी है, तो यहाँ से रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया, इसमें कोई हमेशा अपडेट देने का तो कुछ नहीं है, कि अभी फिलहाल इसे भी अवॉइड करना, और गेवरा फाटक शायद अभी 2 दिन और बंद रहेगा, तो जैसे वो ओपन होगा मैं आपको पोस्ट में डाल दूंगा इसमें। यही छोटा सा अपडेट था, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे भाई लोगों जल्दी ही नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।